एक बात हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी पार्लियामेंट चलता था तो पहले भी दिल्ली जाते थे और सभी सांसदों से मिलते थे, लेकिन इस बार अस्वस्थ रहने के कारण वो दिल्ली नहीं गए थे। तो हमको लगता है कि संगठन के बारे में ही ज़्यादा बातचीत होगी। अब विशेष बातचीत क्या होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बात आ रही है जिस तरह से, फिर एक तरह से आप आरजेडी के साथ जाने के, आप कंफर्ट महसूस करेंगे आरजेडी के साथ जाना, जिस तरह से आरजेडी को आप लोग छोड़ करके एनडीए में आए थे फिर से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो भी निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के लिए, बिहार के हित के लिए जो लिया है वो बेहतर निर्णय लिया है और उसी के बदौलत बिहार आज इतना दूर आगे बढ़ा है। आज भी जो निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा वो बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में होगा। लेकिन पिछली बार जब वो हित में लिए थे तो उनको पलटू राम का नाम दिया गया, इस बार लेते हैं तो क्या अब उनका ये इमेज बन पाएगा जिस तरह से पलटू राम अभी तक बना हुआ है? देखिए, ये बोलने के लिए तो हर आदमी फ्री है, कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राजनीति में सब संभावना खुला रहता है। भाजपा ने आपको तो कहीं दगा नहीं दिया, भाजपा के साथ रहने में कहां परेशानी हो रही है? अब इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आप लोगों के बीच में कई एक बार बात स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए इस पर हमको बोलना उचित नहीं।